दोस्तों, बायोगन चैनल पे आपका एक बार और फिर से स्वागत है। आज हम लोग लास्ट चैप्टर पे मूव करने वाले हैं, जो कि सिलेबस का एकदम लास्ट पोर्शन है। एंड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग शुरू करते हैं ब्रीडिंग ऑफ एक्वेरियम फिशेस वाला चैप्टर। नाउ व्हाट एक्चुअली डू बी कॉल्ड एज ब्रीडिंग। सो ब्रीडिंग का मतलब ही ये होता है कि ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से ब्रीड करवा सकते हैं या उनके कौन से मेथड्स होते हैं ब्रीडिंग के। ब्रीडिंग इसीलिए भी करता है कोई भी इंडिविजुअल ताकि वो अपनी जैसे स्पीशीज बना सके, और अपने जैसे स्पीशीज अगर वो बनाता है तो वो आगे इवोल्यूशन को लीड कर सके, राइट। तो ऐसे हमारे पास में तीन मेथड्स हैं। देख लेते हैं हम लोग कि ब्रीडिंग के कौन से मेथड्स इंपॉर्टेंट मेथड्स कौन से हैं। सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ मेथड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, दैट इज ओवीपेरस, ओवोवीवीपेरस एंड विवीपेरस ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ओवीपेरस ऑर्गेनिज्म। तो चीजें हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे ओवीपेरस जो है वो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है। तो जब एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है तो जाहिर सी बात है कि उसकी बॉडी में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो एनी इंडिविजुअल विद ओवीपेरिटी इज लीडिंग टू एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, और एग लेइंग ऑर्गेनिज्म हमेशा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, which is a direct development done in this type of fishes. Now, example है उसका pterophyllum, जो आपके book में आपको दिया हुआ है, even आपको notes के format में भी दिया हुआ है। Secondly, what do you mean by viviparous? Viviparous मतलब ये होता है कि जो organism directly young ones को birth देते हैं, ठीक है। So this is कहीं ना कहीं पे internal fertilization होता है। So what is viviparous? Giving birth to fully formed baby fish. Okay? फुल्ली फॉर्म बेबी फिश जो रहेगी आफ्टर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स इंटरनली पूरी ग्रोथ हो चुकी है, एंड दैट इंटरनल ग्रोथ लीड्स टू विवीपेरी हम कह सकते हैं। ओके, सो विवीपेरस मतलब गिविंग बर्थ इन टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डायरेक्टली बर्थ टू एन इंडिविजुअल, ठीक है। यहाँ पे एग्स का या कोई चीज का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड्स ओवोवीवीपेरस, ये नया वर्ड है आपके लिए क्योंकि आपने अभी तक के एग लेइंग ऑर्गेनिज्म आज ओवीपेरस एंड वीवीपेरस ही पढ़ा हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय ओवोवीवीपेरस, जिनको हम लाइफ बेयरिंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, दीज आर लाइफ बेयरिंग ऑर्गेनिज्म। सो ओवीपेरस का मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस, यंग वंस का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है फ्रॉम द एग्स विच हैच विद इन द बॉडी बट आर नॉट नरिश्ड बाय मदर। मदर ने इनको नरिश नहीं किया है, एग्स के अंदर से इनकी डेवलपमेंट हो रही है। तो इसको हम किस तरीके से स्टडी आउट कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, किसी भी मैमल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, किसी भी मैमल्स की अगर मैं बात करूं, तो मैमल की बॉडी में प्लासेंटा से इंडिविजुअल कनेक्टेड होता है। दैट मीन्स एम्ब्रियो जो रहेगा वो किससे कनेक्टेड है, प्लासेंटा से। प्लासेंटा से कनेक्टेड है तभी वो विवीपेरी को लीड करेगा, राइट। अगर विवीपेरी को लीड नहीं कर रहा है तो यहां पर ओवो विवीपेरी वर्ड यूज हुआ है। दैट मींस इंटरनल कहीं ना कहीं पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बट इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो एग है, एग के अंदर में योक सैक है, वो उसको नरिशमेंट देने वाला है, कोई प्लासेंटा उसके साथ ज्वाइन होने वाला नहीं है। ये सेंटेंस का मतलब ही ये है कि यंग वंस का प्रोडक्शन होगा, बट कैसे होगा, एग्स के थ्रू होगा विच हैच विद इन द बॉडी। बॉडी के अंदर एग बन रही है बट इट इज नॉट नरिश्ड बाय मदर। मदर से नरिश्ड क्यों नहीं है, बिकॉज वो प्लासेंटल एनिमल नहीं है, और प्लासेंटा से अटैच रहेगा तो ही मदर फीड कर पाएगी। अगर प्लासेंटा से अटैच नहीं है तो फीडिंग हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब होता है ओवोवीवीपेरी ऑर्गेनिज्म। सो ओवोवीवीपेरी ऑर्गेनिज्म में आपके पास में अधिकतर बहुत सारे वैरायटीज है, क्योंकि इन तीनों टाइप से फिशेस जो है अपने आप को ब्रीड करती है या करवाती है, ठीक है ना। ओवीपेरस की अगर मैं बात करूं तो ओवीपेरस ऑर्गेनिज्म को पांच अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है कि ऐसे कौन से ओवीपेरिटी की बात कर रहे हैं। तो ओवीपेरिटी ऑर्गेनिजम्स कौन से है, सो ओवीपेरस में अगर आप देखेंगे, विच स्कैटर नॉन अधेसिव एग्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नॉन अधेसिव एग्स को स्कैटर आउट कर देते हैं, मतलब एग्स लेकर देते हैं एंड देन दे आर स्कैटर्ड आउट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉन अधेसिव, ठीक है। आपके सिंपलिसिटी के लिए मैंने ये डेफिनेशंस यहां पर दे दिए हैं आपको कि नॉन अधेसिवनेस मतलब क्या होता है। तो दे आर स्कैटर्ड ऑन द थिकेट्स ऑफ प्लांट्स और विथ फाइन लीव्स, दैट मीन्स
ऐसे एग्जले हो जाते हैं जो कि बहुत फाइन लीव्स कैरी करते हैं प्लांट्स के, ठीक है, जिनको हम हेयर ग्रास भी कहते हैं. हेयर ग्रास का एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, दैट इज मैरिया फाइलम. सो मैरिया फाइलम में नॉन अधेसिवनेस होता है, जहां पर एग्स ले कर दिए जाते हैं फिशेस के, जो कि बहुत माइन्यूट फिशेस के एग्स होते हैं. सो दिस इज नॉन अधेसिव रीजन. कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड इन केयरफुली फॉर्म्ड, ओके, केयरफुली फॉर्म्ड गार्डेड नेस्ट. सो इनको नेक्स्ट नेस्ट के अंदर भी बनाकर डाल दिया जा सकता है. दैट मीन्स कि हम आर्टिफिशियली नेस्ट फॉर्म कर सकते हैं. नेस्ट फॉर्म करने के बाद में मुझे पता है कि मदर जो है अब एग्स ले करने वाली है, तो सेफर साइड में मैंने क्या किया है, उसको यूज किया और उसके लिए एक नेस्ट बनाया और नेस्ट में उस फिश को छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके और उसके जितने भी हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल्स या जितने भी एग्स फॉर्म होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, सेफ होंगे. सो इस तरीके से नॉन अधेसिव रीजन को हम काउंट करते हैं. नाउ नेक्स्ट पोर्शन की अगर बात करें, विद सेमी अधेसिव एग्स. सेमी अधेसिव एग्स मतलब अधेसिवनेस है बट थोड़ा सा सेमी टाइप का है. दैट मीन ना तो वो प्योरली नॉन अधेसिव है ना तो वो प्योरली अधेसिव है. इसके पहले अधेसिव का मतलब क्या होता है ये समझना जरूरी है. व्हाट डू यू मीन बाय अधेसिव एग्स? सो अधेसिव एग्स अधेयर टू सम सबस्ट्रेटम, किसी एक सबस्ट्रेटम को जाके ज्वाइन हो सकते हैं. नाउ ये सबस्ट्रेटम कोई भी पार्ट हो सकता है, इट मे बी एनी रॉक, इट मे बी एनी लीफ, इट मे बी एनी शेड, इट मे बी एनी ऑर्गेनिज्म. किसी एक फिश के ऊपर में जाके भी ये आराम से अपने एग्स ले कर सकती है, ठीक है, या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो अधिकतर स्टेबल होता है, जिसको कंज्यूम करने वाला कोई नहीं है, ऐसे टाइप में भी फिशेस जो होती है अपने एग्स ले करती है. सो व्हाट आर द अधेसिवनेस? सो अधेयर टू सम सबस्ट्रेटम केयरफुली सिलेक्टेड बाय सम फिशेस. सो कुछ फिशेस जो होती है वो सिलेक्टिव होती है, जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेटम पे जाकर ही अपने एग्स को ले करती है ताकि वो सेफ रह सके और उनमें उनके एग्स को कोई कंज्यूम ना करे. सेकेंडली एग्जाम्पल्स है ब्रॉड लीव्स, हॉलो रॉक्स. कुछ रॉक्स का डेवलपमेंट ही ऐसा होता है कि अंदर तक की काफी जगह होती है तो आराम से वो जाके वहां पर एग्स ले कर सकती है. देन बुशी प्लांट्स इन एक्वेरियम, अगर एक्वेरियम है तो वहां पर बुशी प्लांट्स जो होंगे उसके अंदर में भी जाके वो एग्स ले कर सकती है, फाइन लीव्स जो होती है उनके ऊपर में भी. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अधेसिव एंड नॉन अधेसिव, राइट? सो ओविपेरस में पहली चीज हमने पढ़ी विद स्कैटर नॉन अधेसिव एग्स. तो ये जो नॉन अधेसिव एग्स होते हैं ये यहां पर है जो कि गार्डेड नेस्ट के फॉर्मेट में आते हैं विद सेमी अधेसिव. दैट मीन्स कभी कभी इनको सबस्ट्रेटम की रिक्वायरमेंट है और कभी कभी नहीं है. देन बबल नेस्ट बिल्डर्स. बबल नेस्ट बिल्डर मतलब नेस्ट को बिल्ड किया जाता है इनके लिए जो कि स्पेसिफिक टाइप के होते हैं ताकि इनके एग्स उसी के अंदर रह सके, उससे बाहर न जाए. देन दोज विच डिपॉजिट एंड टेंड देयर एग्स. एंड इसके अलावा माउथ ब्रीडर्स होते हैं जो माउथ से अपने एग्स ले करते हैं. तो दीज आर द टाइप्स जहां पर हम ओविपैरिटी को स्टडी आउट करते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से ब्रीडिंग मेथड्स हमने आज स्टडी किए. तो जितने भी ब्रीडिंग मेथड्स हैं हमारे पास में अधिकतर ओविपेरी, ओवो विविपेरी एंड विविपेरी के फॉर्मेट में है. ओविपेरिटी के मेथड्स के बाद में ओविपेरस में 5 सब ग्रुप्स होते हैं जिनके बेसिस पे ये अलग अलग अपने आप को क्लासीफाई करते हैं. सेकेंडली हमने यहाँ पर अधेसिव और नॉन अधेसिव की डेफिनेशन स्टडी की, जो कि अधेसिव एग्स जो होते हैं वो किस तरीके से एग्स ले करते हैं एंड नॉन अधेसिव वाले कैसे होते हैं. देन नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स अ जेस्टेशन पीरियड. जैसे ही एम्ब्रियो फॉर्म हो गया तो जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, तो डेवलपमेंट ऑफ एग फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टिल द बर्थ, ठीक है, बर्थ तक के, फर्टिलाइजेशन होने के बाद से बर्थ तक का जो टाइम पीरियड होता है उस समय को हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं. ओके, सो ह्यूमंस में भी जेस्टेशन पीरियड होता है, मैमल्स में जेस्टेशन पीरियड होता है, एनिमल्स में जेस्टेशन पीरियड है. तो हर एक टाइप का ऑर्गेनिज्म जो है उसका खुद का एक जेस्टेशन पीरियड होता है, जहां से फर्टिलाइजेशन से लेकर तो वो बर्थ देने तक के ये प्रोसेस को काउंट किया जाता है. सो अधिकतर हम इसको विविपेरिटी के अंडर में काउंट कर सकते हैं या ओविपेरिटी के अंडर में भी काउंट कर सकते हैं. नाउ इसके बाद का सेक्शन जो है वो आपके लिए दिया हुआ है एज डिलीवरी इन द एक्वेरियम. डिलीवरी कैसे होती है ऑर्गेनिज्म की? तो जाहिर सी बात है कि किसी ऑर्गेनिज्म अगर एक्वेरियम में है तो एक्वेरियम में रहने के बाद में वो
स्पेसिफिक टाइम पीरियड आने के बाद में वो डिलीवर करेगा ऑर्गेनिज्म को. सो जो भी एम्ब्रियोज होते हैं, जो भी एग्स होते हैं, या जो भी डायरेक्ट लाइफ ऑर्गेनिज्म होता है, उन सबको डेवलप करवाना और डिलीवरी करवाना उनकी किसी एक एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है. देन उसके बाद में ट्रैप करना पड़ता है. देन ब्रीडिंग ट्रैप्स वगैरह कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें आपको नोट्स में दी हुई है. अधिकतर इस चैप्टर में आने वाले लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी है वो ब्रीडिंग किस तरीके से करवाती है, जैसे एंजल फिश किस तरीके से ब्रीड करवाती है, गैम्बुसिया किस तरीके से ब्रीड करवाती है. तो जो नॉर्मल चीजें हैं, जैसे ओविपेरी है, जो स्टेशन पीरियड होता है, ये बहुत सारे जो चीजें मैंने अभी आपको बताई यही आंसर्स में भी आएंगे. सो इसके लिए आप नोट्स रेफर कर सकते हैं, नो इश्यूज. एंड उसके बाद में हम लोग मूव करेंगे फ्रायर की तरफ में, एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है इसके तरफ में. सो टिल देन जुड़े रहिए बायोरिथम के साथ में. लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर्स में, साथ आखिरी लेक्चर जो रहेगा ब्रीडिंग ऑफ एक्वेरियम फिश पे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. स्टे कनेक्टेड विद बायोग्राफ.